तो हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सर्च MLM में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम करते हैं सर्च MLM लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन केवल आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ऑस्मोस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का एक दूसरा प्लान आ चुका है मार्केट के अंदर, जो कि क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्लान है। तो वो प्लान ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियो उसकी डली हुई है जिसमें कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसी ने भी नहीं दे रखी है डिटेल में। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं ऑस्मोस का जो सेकंड अपडेट प्लान है उसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और पूरा डिटेल से इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, ताकि आपको ऑस्मोस का कंप्लीट प्लान, जो भी इसकी इनकम्स हैं, सारी समझ में आ जाएं। और इस प्लान को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, कंपनी का जो ये सेकंड प्लान आया है वो बिटकॉइन, ट्रॉन और इथेरियम और USD बेस्ड है। मतलब आप यहाँ पर बिटकॉइन के थ्रू, ट्रॉन के थ्रू, इथेरियम के थ्रू और USD के थ्रू भी अपनी ID प्लेस कर सकते हैं और उसका विड्रॉल भी इस फॉर्म में ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी का ऑलरेडी एक प्लान चल रहा है मार्केट के अंदर, जो कि osmostechnology.com के नाम से उसकी वेबसाइट थी, लेकिन इस प्लान की जो वेबसाइट है वो है www.osmtechno.com। ये इसकी वेबसाइट है जो कंपनी का नया प्लान है। तो यहाँ पर कंपनी ने एक बेनिफिट ये दे रखा है, अगर आपकी ID Osmos Technology मतलब इनके पहले प्लान में लगी हुई है, तो उसी लॉगिन ID और पासवर्ड के थ्रू आप इनकी इस वेबसाइट पर जाकर, जो कि इनका सेकंड प्लान है, उस पर जाकर उसी लॉगिन ID और पासवर्ड से आपको आपकी ID लॉगिन हो जाती है इस वेबसाइट के ऊपर। और आपकी जो टीम थी, जो कि osmostechnology.com के अंदर पहले प्लान के अंदर जो टीम आपकी ऑलरेडी लगी हुई है, वो एज इट इज आपको दिखेगी इस प्लान के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं, उस ID को लॉगिन करके उस ID को भी एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पर $32 से, या फिर आप अपनी नई ID भी प्लेस कर सकते हैं किसी के भी रेफर से। तो यहाँ पर उन लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है जिन लोगों ने ऑस्मोस टेक्नोलॉजी के अंदर काम किया, मेहनत की, और जिनका बहुत अच्छा ग्रुप है। तो वो क्या कर सकते हैं, उसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर ओपन करके उन्हीं IDs को एक्टिवेट करवा सकते हैं, और एज इट इज जैसे कि OS टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों ने अपना स्ट्रक्चर बना रखा है, वही स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको मिल जाएगा और उसका बेनिफिट आप दोबारा से ले सकेंगे। मींस उन लोगों को यहाँ पर दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, केवल उन्हें अपने डाउनलाइन की IDs को दोबारा से एक्टिवेट करवाना है इस स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है, दोनों पैरेलली अलग अलग प्लेटफॉर्म है, बस कंपनी ने इतना किया है कि यहाँ पर आपको जो ऑस्मोस टेक्नोलॉजी का स्ट्रक्चर है वो सारा आपको यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरीके से अब कंपनी के मार्केट के अंदर दो प्लान चल रहे हैं, तो एक तो है osmostechnology.com के नाम से और दूसरा है www.osmtechno.com के नाम से। तो यहाँ पर दोनों प्लान के अंदर आप वर्क कर सकते हैं, आपका एज इट इज आप ऑस्मोस टेक्नोलॉजी में भी वर्क कर सकते हैं और OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं साथ के साथ, वो भी आप पुराने स्ट्रक्चर को यूज करके, जिससे कि आपको अपने स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं कंपनी के जो न्यू प्लान आया है उसके बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहां पर नाम यहां पर रजिस्टर है वो है OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के नाम से, इनकी वेबसाइट है www.osmtechno.com। तो इस URL के जरिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अबाउट अस में आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के नाम से अपना दुबई में 2020 में अपना ऑफिस इंस्टैब्लिश कर चुकी है, और वहां पर जो कंपनी की वर्किंग रहेगी वो रहेगी IT फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, एप्स के अंदर, वेब बेस्ड सर्विसेज के अंदर, पोर्टल के अंदर, स्मार्टफोन्स एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फॉर नेटवर्किंग। तो ये सारे वर्क रहेंगे कंपनी के दुबई के अंदर। तो इस तरीके से आप यहां पर कह सकते हैं कंपनी ने यहां पर इंटरनेशनली वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, ट्रेडिशनली और नेटवर्क के थ्रू भी। जैसा कि आप जानते ही होंगे, बहुत से लोग कह रहे थे कि OSM टेक्नोलॉजी कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी, या बहुत सी नेगेटिव बातें आपको मार्केट में सुनने को मिल रही थी, यूट्यूब पे सुनने को मिल रही थी, लेकिन यहां पर कंपनी ने अपना सेकंड प्लान लॉन्च करके इंटरनेशनली प्रूफ कर दिया है कि ये कंपनी हमेशा चलने वाली कंपनी है और इस कंपनी के साथ जुड़कर आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। प्लान देखने से पहले हम बात कर लेते हैं एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि करंट ट्रेंड आज की डेट में चल रहा है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज की डेट में गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ा बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, जैसा कि पबजी, लूडो, इस तरह के बहुत सारी गेम्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जिसमें कि लोग आज की डेट में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से कंपनी गेमिंग फील्ड के अंदर और बहुत सी गेम्स आपको यहां पर कंपनी के देखने को मिल जाएंगी, जिसके जरिए कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है मार्केट के अंदर से। और साथ ही हम गेमिंग प्लेटफॉर्म एनालिस्ट चार्ट को देखें तो आप यहां पर 6 साल की ग्रोथ को देख सकते हैं, 2015 से 2020 तक ये इंडस्ट्री कितनी ग्रो करने वाली है, तो कितना डिफरेंट 2015 से 2020 में आ चुका है इस इंडस्ट्री
के अंदर और 2022 तक कितना डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पर ग्लोबली 2027 तक की बात करें तो ये इंडस्ट्री $48.6 बिलियन की हो जाएगी। तो जो भी कंपनीज और जो भी प्लेटफॉर्म गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क कर रहे हैं तो वो 100% इन फ्यूचर बहुत अच्छी अर्निंग ही करेंगे। तो यहाँ पर OSM कंपनी ने भी ये प्लेटफॉर्म पकड़ रखा है जिससे कि कंपनी इजी तरीके से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकेगी। और साथ साथ हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जैसा कि आप जानते होंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओनर है वर्ल्ड में टॉपेस्ट रिचेस्ट पर्सन में गिने जाते हैं। और सोशल मीडिया एनालिस्ट चार्ट के जरिए हम देखें तो ये इंडस्ट्री 2015 से 2020 तक आप देख सकते हैं कितना ग्रो कर चुकी है। और बात करें यहाँ पर ग्रोथ रेट की तो यहाँ पर 10.9% कंपनी ने 2015 से 2020 में ग्रोथ किया है और इन फ्यूचर ये ग्रोथ और तेजी से बढ़ने वाला है क्योंकि सभी लोग अपने मोबाइल के थ्रू सोशल मीडिया के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते ही हैं और जिससे कि सोशल मीडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आज की डेट में। और बात करें यहाँ पर अर्निंग रेवेन्यू की तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कनेक्ट रहते हैं बहुत बड़े ग्रुप से, तो यहाँ पर जो भी ऑडियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है तो वहाँ पर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है बाय एड, मतलब जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो एड लगाती हैं जिससे कि रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और इसी तरीके से आज की डेट में गेम्स के ऊपर भी काफ़ी एड्स आने लगी हैं जिसके जरिए गेम इंडस्ट्री भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और साथ ही साथ ऑनलाइन जो गेम्स होती है वहाँ पर आप अगर ऑनलाइन किसी अदर पर्सन से गेम खेलते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी का कुछ मार्जिन होता है, उसके जरिए भी गेम के थ्रू कंपनियाँ अपना रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ पर कंपनियाँ एडवर्टीजमेंट के जरिए ही मोटा पैसा अर्न करती हैं क्योंकि वहाँ पर एक टारगेट ऑडियंस होती है कंपनी के पास, जहाँ पर कि किसी भी कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स या ओनर्स होते हैं जो कि अपना जो प्रोडक्ट सेल करने के लिए किसी सेलेक्टेड टारगेटेड ऑडियंस को ही अपनी एड दिखा सकते हैं जिसको कि वो दिखाना चाहते हैं। तो ये बेनिफिट यहाँ पर एडवर्टीज दिखाने वाले को मिल जाता है और जिस वजह से आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा एड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और गेम्स के ऊपर दिखाई जा रही है जो कि टीवी पर पहले दिखाई जाती थी, क्योंकि आज की डेट में टेलीविजन के बजाय लोग सोशल मीडिया और गेम्स और अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि OSM की बहुत सारी गेम्स है जो कि मार्केट में ऑलरेडी चल रही हैं और इसके साथ साथ कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। और बात करें यहाँ पर कंपनी के मिशन और विजन की तो यहाँ पर कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर डिजिटल करेंसी के जरिए सभी बैरियर्स को ब्रेक करने का कंपनी का टारगेट है। और बात करें यहाँ पर कंपनी के विजन की तो कंपनी यहाँ पर गेमिंग और सोशल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबली बहुत बड़ा ब्रांड बनना चाहती है जिसके लिए कंपनी यहाँ पर कर रही है। और बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट की तो कंपनी यहाँ पर डेवलप कर चुकी है बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन और गेम्स जिन एप्लीकेशन को लोग वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी गेम्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी, बू एडवेंचर्स के नाम से, एस्ट्रॉइड अटैक के नाम से, स्पेस शूटर के नाम से, लूडो चैम्प के नाम से गेम आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ लूडो स्किल के नाम से भी आपको यहाँ पर गेम मिल जाती है कंपनी की। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर पाउट सूट के नाम से कंपनी का एक शॉर्ट वीडियो कम्युनिटी ऐप मिल जाता है, जैसा कि टिकटॉक की तरह ये एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का एक पिक फ्लिक के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि एज इट इज फेसबुक की तरह वर्क करता है और फेसबुक से ज़्यादा फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इन सभी ऐप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनका बेनिफिट आप ले सकेंगे। और अब हम ले लेते हैं कंपनी के सेकंड प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो आपकी आईडी रहने वाली है वो रहने वाली है $32 की। तो आप यहाँ पर गेमिंग सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको गेमिंग सब्सक्रिप्शन मिलता है जो कि 99 डेज के लिए होता है। और यहाँ पे इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको डेली टास्क मिलते हैं और उस टास्क को आप डेली बेसिस पे कंप्लीट करेंगे तो आपको यहाँ पर $0.45 का अमाउंट डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। और 99 डेज के बाद आपको अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराना होता है। तो यहाँ पर अपनी आईडी को एक्टिवेट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक गेटवे के थ्रू आप ट्रॉन के जरिए, इथेरियम के जरिए, USD के जरिए आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए आप यहाँ पर अपनी आईडी को गेटवे के जरिए एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे तो उसका वीडियो भी आपको बनाकर मैं दे दूंगा और उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ साथ बात करें यहाँ पर कंडीशन की तो यहाँ पर आप मल्टीपल आईडी नहीं लगा सकते हैं, आप अपने एक डिवाइस के अंदर अपने एक फ़ोन के ऊपर केवल एक आईडी को ही लॉगिन कर सकते हैं।
और इसके साथ साथ हम बात करें कंपनी की टाइप ऑफ इनकम्स की, तो यहाँ पर कंपनी आपको चार तरह की इनकम प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि आपकी पहली इनकम होती है डेली टास्क इनकम, दूसरी इनकम रहती है लेवल इनकम, तीसरी इनकम रहती है रैंक इनकम और चौथी इनकम रहती है ओवरराइड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप इन चारों इनकम्स को अर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब देख लेते हैं इन चारों इनकम के बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी जो पहली इनकम रहती है वो डेली टास्क इनकम रहती है। यहां पर अगर आप डेली बेसिस पर अपना टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपको $0.45 डेली बेसिस पे मिलता रहेगा, जो कि आपको 99 डेज तक मिलता है और उसके बाद आपको अपनी आईडी रिन्यू करनी होती है। और बात करें यहाँ पर सेकंड इनकम की, तो कंपनी यहाँ पर आपकी टीम से आपको 7 लेवल तक की इनकम प्रोवाइड करती है और ये जो इनकम रहती है आपकी टीम में, आपके लेवल्स में जितनी भी टीम बनती है उनकी ROI का परसेंटेज आपको यहाँ पर मिलता है। मींस आपकी टीम जो भी टास्क कंप्लीट कर रही है और टास्क करने से जो भी अमाउंट उनके वॉलेट के अंदर आ रहा है उसका परसेंटेज आपको लेवल के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यहाँ पे आप अपने फर्स्ट लेवल में जितने लोगों को जोड़ेंगे और उनके टास्क करने से जो अमाउंट उनकी आईडी में जनरेट हो रहा है उसका 5% आपको मिलता है फर्स्ट लेवल से। मतलब कि आपकी टीम या आप जो भी टास्क करते हैं उससे आपको $0.45 का कमीशन बनता है, तो उस अमाउंट के ऊपर आपकी लेवल इनकम का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आप अपने फर्स्ट लेवल में अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं और जितने ज्यादा लोग आप अपने फर्स्ट लेवल में रेफर करेंगे उतनी बड़ी आपकी टीम होगी 7th लेवल तक और उतना ही बड़ा आपका पे आउट बनेगा और ये इनकम आपको डेली बेसिस पर रेगुलर आती रहेगी। तो इसी तरीके से आपको फर्स्ट लेवल से आपकी टीम की टास्क वर्किंग की ROI का 5% आपको आता है डेली बेसिस पे, सेकेंड लेवल से आता है 10%, थर्ड लेवल से आपको मिलेगा 15%, फोर्थ लेवल से मिलेगा आपको 20%, फिफ्थ लेवल से मिलेगा 25%, सिक्स लेवल से आपको मिलता है 30% और 7th लेवल से आपको मिलता है 35% अमाउंट आपके 7th लेवल की टीम की टास्क वर्किंग ROI का। तो यहाँ पर कंपनी ने 15 डायरेक्ट कंपलसरी कर रखे हैं आपको अपने सातों लेवल ओपन करने के लिए, इसलिए यहाँ पर 15 के मैट्रिक्स में आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रखा है कि आप कितनी इनकम कर सकते हैं अगर आपकी टीम केवल 15-15 लोगों को ही रेफर करे तो कितनी इनकम आपको हो सकती है यहाँ से, जिसको कि हम आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल के जरिए आपको समझा रखा है, मान लीजिए आपके फर्स्ट लेवल के अंदर आपने केवल 15 लोगों को रेफर किया तो 15 लेवल से आपको 5% का उनकी ROI का आपको कमीशन मिलता है, जो कि एक बंदे से आपको आपका कमीशन बनता है $0.0225 का, तो 15 लोगों से आपका जो कमीशन बन जाएगा वो बन जाता है $0.3375 का। इसी तरीके से आपके फर्स्ट लेवल के लोग जो अपने 15-15 डायरेक्ट भी कंप्लीट करें तो आपके सेकंड लेवल में 225 लोग हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके एक व्यक्ति से 10% का अमाउंट मिलेगा उनकी टास्क वर्किंग ROI का, तो यहाँ पर आपका एक बंदे से जो कमीशन हो जाता है वो हो जाता है $0.045 का और इसे मल्टीप्लाई करें 225 से तो आपका जो कमीशन बनता है वो बनता है डेली बेसिस पे $10 का। तो इसी तरीके से आपकी जो टीम 15 के मैट्रिक्स में ग्रो करेगी तो आपके जो थर्ड लेवल में जो आपकी टीम बन जाती है वो बन जाती है 3375 लोगों की, तो थर्ड लेवल से आपको आपकी टीम की ROI का 15% का कमीशन जनरेट होता है, तो एक व्यक्ति से आपको यहाँ पर $0.0675 का कमीशन जनरेट होता है। और बात करें यहाँ पर 3375 लोगों से आपको यहाँ पर $227 डेली का आपको कमीशन जनरेट होने लग जाता है। तो जैसे जैसे आपकी ये टीम का साइज बढ़ेगा लेवल के अकॉर्डिंग वैसे वैसे आपकी परसेंटेज भी यहाँ पर बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ आपका जो इनकम का साइज है वो भी बढ़ता रहेगा। यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है जितनी टीम आपकी नीचे आपके 7th लेवल तक रहेगी उतना ही कमीशन आपका ज्यादा बनता है। जैसे कि आपको कंपनी के पहले प्लान के अंदर आपको दे रखा उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको डेप्थ टू डेप्थ जितनी टीम आपकी नीचे होगी उतना ही कमीशन आपका ज्यादा बनता है। और बात करें यहाँ पर लेवल इनकम की कंडीशन की, जैसा कि कंपनी ने पहले प्लान के ऊपर कंडीशन लगा रखी थी डायरेक्ट की, तो यहाँ पर भी वो आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लेवल की इनकम लेने के लिए केवल एक डायरेक्ट करना होता है और सेकंड लेवल की इनकम को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर दो डायरेक्ट प्लेस करने होते हैं अपने फर्स्ट लेवल में। जैसा कि आप अपने फर्स्ट लेवल के एक डायरेक्ट ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं और दो डायरेक्ट ये हो जाते हैं, मतलब आपको सेकंड लेवल तक की इनकम लेने के लिए 3 डायरेक्ट टोटल प्लेस करने होते हैं अपने फर्स्ट लेवल में, और थर्ड लेवल की इनकम को ओपन करने के लिए भी आपको 2 डायरेक्ट प्लेस करने होते हैं। इस तरीके से थर्ड लेवल तक आपको 5 डायरेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, फोर्थ लेवल की इनकम को लेने के लिए आपको 2 डायरेक्ट और प्लेस करने पड़ते हैं, फिफ्थ लेवल में भी आपको 2 डायरेक्ट प्लेस करने पड़ते हैं, और बात करें यहाँ पर 6th और 7th लेवल की तो आपको यहाँ पर 3-3 डायरेक्ट और प्लेस करने पड़ते हैं अपने फर्स्ट लेवल में इन लेवल की इनकम को ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से आपको अपने सातों लेवल को ओपन करना है तो टोटल आपको 15 डायरेक्ट कंप्लीट करने होते हैं अपने फर्स्ट
फर्स्ट लेवल में, और जैसे ही आप अपने 15 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेंगे फर्स्ट लेवल में, तो आपके डाउन में 7 लेवल तक जितनी भी टीम बनती है उसका सारा कमीशन अकॉर्डिंग टू प्लान आपको रेगुलर मिलता रहेगा। और बात करें यहाँ पर थर्ड इनकम जो कि है रैंक इनकम, तो इस इनकम के अंदर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है आपकी रैंक जो कि आपकी टीम के अकॉर्डिंग आपको मिलती है। तो यहाँ पर कंपनी ने इस इनकम के अंदर कैपिंग भी प्रोवाइड कर रखी है। आप जैसे ही अपने $32 का सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो आप यहाँ पर होते हैं स्टार रैंक पे। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्टार रैंक पे आते हैं तो यहाँ पर आपकी जो इनकम होती है वो रहती है $25 पर डे की, और यहाँ पर आपकी कोई भी कंडीशन नहीं रहती है। तो मतलब आपकी जितनी भी टीम होती है उसके जरिए जो आपका कमीशन जनरेट हो रहा है वो आपको $25 तक पर डे के हिसाब से मिलता रहेगा। और बात करें यहाँ पर सिल्वर लेवल की, तो यहाँ पर आपको $100 पर डे के हिसाब से मिलता है। लेकिन बात करें यहाँ पर कंडीशन की, तो आपकी यहाँ पर जो सिल्वर लेवल पे इनकम होती है वो $25 की तो 1 लाख से होनी चाहिए, और अदर बाकी की अदर लैक्स से टोटल $25 का बिजनेस भी आपको देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर $100 की पर डे की इनकम ले सकते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लैक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी, जिसमें कि 1 लाख तो आपकी $25 पर होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो बाकी की लैग हैं टोटल मिलाकर $25 का होना चाहिए। आप यहाँ पर $100 पर डे की इनकम पे पहुंच जाते हैं। और गोल्ड लेवल पे आपको यहाँ पर $200 पर डे की इनकम मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर $50 की इनकम 1 लाख से होनी चाहिए और बाकी सभी लैगों से मिलाकर $50 की इनकम होनी चाहिए। बात करें प्लेटिनियम रैंक की, तो यहाँ पर आपकी जो इनकम हो जाती है $500 पर डे की हो जाती है। और बात करें कंडीशन की, तो यहाँ पर आपकी 1 लाख से $100 की इनकम होनी चाहिए और बाकी सभी लैगों से भी आपकी टोटल $100 की इनकम होनी चाहिए लेवल के जरिए। और बात करें यहाँ पर डायमंड रैंक की, तो यहाँ पर आप $1000 पर डे की इनकम पे पहुंच जाते हैं। और बात करें कंडीशन की, तो यहाँ पर आपकी 1 लाख से आपका जो कमीशन है $200 का बनना चाहिए और बाकी सभी लैगों से मिलाकर आपका $200 का कमीशन बनना जरूरी है। और देखें यहाँ पर क्राउन डायमंड पे, तो आपकी जो इनकम है $2000 पर डे की आपकी हो जाती है इस लेवल पे, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन रहती है वो रहती है आपकी 1 लाख के अंदर जो आपका कमीशन है टोटल $300 का होना चाहिए और बाकी अदर सभी लैगों से आपका जो बिजनेस आपको जो कमीशन जनरेट हो रहा है वो $300 का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मैक्सिमम $2000 की पर डे की इनकम ले सकते हैं इस इनकम के जरिए। और अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ और लास्ट इनकम की, जो कि है ओवरराइडिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इनकम किस तरीके से आपको मिलेंगी, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तभी आपको ये इनकम समझ आएगी। तो ये इनकम आपकी रिलेट करती है आपकी थर्ड इनकम से। तो आपकी यहाँ पर जो भी रैंक्स बनती हैं, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है और जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है तो आपकी यहाँ पर इनकम भी बढ़ती है। तो जिस लेवल पे भी आप रहेंगे और जिस लेवल पे आपकी इनकम होगी, उस इनकम के बाद आपका जो बिजनेस फ्लैश आउट जाता है तो वो फ्लैश आउट इनकम आपके 7 सीनियरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ओवरराइडिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए। तो एग्जांपल के तौर पे आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति $700 की इनकम पे पहुंच जाता है, लेकिन रैंक इनकम के अकॉर्डिंग उसकी कैपिंग $500 की लगी हुई है, तो उसको यहाँ पर कैपिंग की वजह से $500 की इनकम होगी और जो $200 की इनकम है जो फ्लैश आउट उसको जा रही है, जो कि उसे नहीं मिल रही है, वो $200 उसके ऊपर के 7 सीनियरों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वली। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने जो कंडीशन दे रखी है, ये इनकम उन्हीं सीनियर को डिस्ट्रीब्यूट होगी जो कि सिल्वर रैंक पर मिनिमम पहुंच चुके होंगे। जिनकी रैंक सिल्वर रैंक से नीचे होगी उनको ये इनकम नहीं मिलेगी और वो इनकम स्पिल होकर उसके सीनियर को वो इनकम चली जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर ब्लैक टिक के जरिए दिखा रखा है, जो सीनियर्स आपके स्टार्स से ऊपर की रैंक के हैं उन पे ब्लैक टिक लगा हुआ है और जो सीनियर आपके ऑरेंज क्रॉस से शो हो रहे हैं वो स्टार रैंक से नीचे हैं। तो मान लीजिए ये $200 की इनकम 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो यहाँ पर जो क्रॉस लोग हैं इनको ये इनकम नहीं जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, आपकी ये $200 की इनकम 7th लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति सिल्वर क्वालिफाई नहीं है, जिस वजह से इस लेवल की इनकम स्पिल होकर इस व्यक्ति को मिलनी थी, लेकिन ये व्यक्ति भी सिल्वर क्वालिफाई नहीं है, तो इस व्यक्ति को ना मिलकर ये इनकम आपको स्पिल होकर इस व्यक्ति को मिलने लग जाएगी। तो इस तरीके से जो सीनियर्स आपके सिल्वर क्वालिफाई नहीं होंगे तो उनको इस ओवरराइड इनकम का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि स्पिल होकर उसके सीनियर को चली जाएगी। तो इस तरीके से आपकी जो भी इनकम होती है ओवरराइड इनकम, जो कि आपकी कैपिंग से फ्लैश आउट होती है, वो आपके 7
सिल्वर रैंक और उससे अबव के सीनियर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो भी बराबर बराबर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 लोग क्वालिफाई थे जिनको कि ये $200 की इनकम मिलनी थी। तो इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेट करके $28.5 की इनकम सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये इनकम मिलती है आपको आपकी टीम की कैपिंग के फ्लैश आउट का। इस तरीके से आप यहाँ पर ओवरराइड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं जिसमें कि आपको सिल्वर होना जरूरी होता है। और साथ ही साथ कंपनी से कुछ मोर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप इनकी ईमेल आईडी info@osmtechno.com और support@osmtechno.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन का कंप्लीट प्लान। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये प्लान मैंने अच्छे से समझाया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ज्वाइनिंग लिंक प्रोवाइड कर रखा है, उस लिंक के जरिए आप अपनी आईडी प्लेस कर सकते हैं और अपनी आईडी को एक्टिवेट कराने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर कोई भी OSM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उस वीडियो का पूरा पूरा बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।